ओके देन, नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका और एक नए सेशन में ऑफ आवर चैप्टर रेशियो एनालिसिस। क्या आप आज भी कुछ नया सीखने को तैयार है? देन चलो 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 चलो, लेट द गेम बिगिन। सो गाइस, एज यूजुअल फटाफट एक अपन लोग ले लेते हैं रीकैप जो भी अपन लोग ने लास्ट सेशन में पढ़ा, एंड देन वहां से क्विकली बिल्डअप करते जाएंगे। तो लास्ट सेशन में अपन लोग ने स्टार्ट कर लिया ये इंपॉर्टेंट चैप्टर रेशियो एनालिसिस। कंपल्सरी क्वेश्चन इस चैप्टर में से बहुत बार आता है, बहुत रेगुलरली आता है। वेटेज अराउंड 6 to 10 मार्क्स का, एंड यस डेफिनेटली वी हैव टू डू इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल। व्हाई इज दिस चैप्टर यूज्ड? इट इज यूज्ड फॉर एनालिसिस एंड कंपैरिजन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेटा ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। कोई भी, सुनना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं, दुनिया में कितना भी बड़ा इन्वेस्टर वो बना हो, ये चैप्टर के बिना वो बड़ा इन्वेस्टर नहीं बन सकता। जी हाँ, समझ रहे हो तुम लोग कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। तुम लोग कोई बड़े लोगों का नाम बताया है? तुम लोगों को जो स्टॉक मार्केट में पैसा डाल के बहुत बड़े हुए हैं। मैंने ये फर्स्ट सेशन में नाम बताया था, राकेश झुंझुनवाला, चार्टर्ड अकाउंटेंट, 10,000 रुपीज से 10,000 करोड़। मोतीलाल ओसवाल, रामदेव अग्रवाल, दे आर ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड आर नाउ ओनर of more than 20,000 crores of rupees. And क्या यूज करते हैं वो पता है आपको? चैप्टर नंबर 3, फाइनेंशियल रेशियोज एनालिसिस। क्योंकि इस रेशियो के बेसिस पे उनको पता चलता है कौन सी अच्छी कंपनीज है, किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए जो ग्रो करेगी, और उस बेसिस पे डिसीजन लेके उन्होंने इतना पैसा कमाया है। तो भाई जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। बस अपने को डिसिप्लिन रहना है, बस अपने को इंश्योर करना है कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको प्रैक्टिकली भी अपन अप्लाई कर सके। मैंने आप लोगों को फर्स्ट सेशन में स्क्रीनर और कल के सेशन में स्क्रीनर भी बताया था, ठीक है। अगेन, एनी स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट ऑलवेज यूजेस दैट। क्यों? क्योंकि आपको एनालिसिस कंपैरिजन करना है। किसके लिए? इंटरनल एक्सटर्नल डेटा के लिए। किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो तीनों अपने दिल के एकदम करीब है। मतलब दिन रात अपना तो उठना बैठना इन तीन चीजों के साथ ही होता है कि नहीं? राइट, ओके। फिर अपन लोग ने एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था जो अपने को अंडरस्टैंडिंग में एकदम ईजी पड़ता है, बैलेंस शीट बनाया था फिर अपन लोग ने, एंड एक कैश फ्लो स्टेटमेंट के जो मेन आइटम्स है वो अपन लोग ने देख लिए थे। राइट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? सेम, कंपैरिजन एनालिसिस ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल डेटा, ताकि अपन चेक कर सके फाइनेंशियल वेलबींग ऑफ अ कंपनी, लिक्विडिटी चेक करना है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करना है। ये सारी चीजों के लिए यूज होता है यस दिस चैप्टर कॉल्ड एज फाइनेंशियल रेशियोज, रेशियो एनालिसिस। देर आर 4 टाइप्स ऑफ रेशियोज विच आर देर। सबसे पहला जो अपन लोग ने स्टार्ट किया हुआ है लिक्विडिटी रेशियो। इसके अंदर मेन 2 टाइप्स होते हैं, बाकी के जो मिसलेनियस टाइप्स है फाइनेंशियल रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियोज के, वो अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा आज। फिर बाद में आता है लेवरेज या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बताता है, ठीक है। सबसे पहला पड़ाव ये है, अगर इधर कोई कंपनी फेल हो गई तो भाई टाटा बाय बाय, सॉरी गया, इसका काम खत्म होने वाला है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो अगर आपका आइडियल रेशियो जो मैंने कल दिया है ना, करंट रेशियो 2:1, क्विक रेशियो 1:1, अगर लिक्विडिटी रेशियो उससे कम हुआ, जो आइडियल रेशियो है जो मैंने दिया है उससे कम हुआ, देन इन दैट केस आप इस कंपनी में कभी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इन्वेस्ट करना छोड़ो, आप इस कंपनी को बोल देना भाई तुम्हारी कंपनी बंद हो जाएगी, फटाफट इसको इंप्रूव करो। दूसरा आता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। तो पहले अगर मेरे को यहां पे टिक मार्क आया तो मैं आगे बढ़ूंगा, तो मैं देखूंगा हाँ भाई चलो लॉन्ग टर्म लेवल पे, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी लेवल पे चीजें क्या हो रही है, ठीक है। फिर वहां पे भी पॉजिटिव आया, देन आई विल चेक द टर्नओवर एक्टिविटी रेशियोज एंड देन ऑब्वियसली द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। जब मुझे चारों जगह से, अगेन आई एम टेलिंग यू, चारों जगह से जब मुझे ग्रीन सिग्नल आएगा तब भी मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा। भाई मेरा हार्ड अर्न मनी है और मुझे अच्छी कंपनी चाहिए, तो अगर अच्छी कंपनी होगी ना तो ये चारों रेशियोज उसके अच्छे पॉजिटिव ही होंगे, सो वी कैन बी रेस्ट एश्योर्ड फॉर दैट। राइट, तो लिक्विडिटी में तो अपने को कल समझ में आ गया कि यार करंट एसेट्स शुड बी मोर देन द करंट लायबिलिटीज। सोचो ना, अगर करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से कम है, देन इन दैट केस आपका रिसीवेबल कम है, पेएबल ज्यादा है, आप कैसे कंपनी को चला पाओगे? यार लॉजिकल है, मतलब उसके लिए अब उतना मैच्योरिटी आई एम श्योर आप लोग में आ गया होगा विद यू नो सो मच इयर्स ऑफ तुम लोग ने भी जो पढ़ाई किया है। सो बेसिक बेसिक चीज है, एकदम लॉजिकल चीज है, लर्न करने की जरूरत नहीं है।
समझ में आ जाएगा यूजुअली। सो लिक्विडिटी रेशियो डिटरमाइन द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। और मैं बोल रहा हूं ये अगर कुछ हिला, अगर इसमें कुछ ऊपर नीचे हुआ, कंपनी बर्बाद। शुड बी कैश पॉजिटिव, शुड हैव अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, दैट्स द इंटेंशन टू चेक। करंट रेशियो या इसको वर्किंग कैपिटल रेशियो एंड क्विक रेशियो में डिवाइड किया, जो अपन लोग ने कल कर लिया था। करंट रेशियो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, सिंपल। अच्छा एवरीबॉडी, 2:1 का इसका आइडियल रेशियो है, याद रहेगा तुम लोगों को ये ऑटोमेटिकली। ओके, करंट एसेट्स में डेटर्स, इन्वेंट्रीज, कैश बैंक, अदर रिसीवेबल, एडवांसेस, प्रीपेड, ये सारी चीजें आती है। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स, प्रीपेड डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स भी आता है। So, वो है क्विक रेशियो में बोला है भाई, देखो क्विक रेशियो इज नथिंग बट क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी तो ज्यों का त्यों है, इसको तो हाथ लगाना ही नहीं है। क्विक एसेट का मतलब क्या है, जो फटाफट क्विकली कैश में कन्वर्ट कर सके। तो कैश हो गया, डेटर्स हो गया, वो सब। सो करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो बाकी जो दो चीजें वो यहाँ पे आ जाएगी। गॉट इट एवरीबॉडी। इस नोट पे अपन लोग ने कल का सेशन एंड किया था, और आज अब अपन लोग अपने सेशन को और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे इसी लिक्विडिटी रेशियोज को कंप्लीट करके। देखो ये ना, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चैप्टर को मैं बहुत एकदम शिद्दत से पढ़ाता हूँ, एकदम आराम से पढ़ाता हूँ, कि भाई ये एक बार बराबर से सेट हो गया ना, तो फिर आगे वाली चीजें एकदम स्मूथली, इजिली, फटाफट होती जाएगी। सो इसके लिए जस्ट कीप एंश्योरिंग दैट आप लोग भी इसको आराम से करो, घाई में ना करो, बिकॉज जैसा मैंने बोला इंपॉर्टेंट है एंड अच्छी तरह से होना चाहिए। तो लिक्विडिटी रेशियोज मेनली दो है मेरे पास, एक है करंट रेशियो जिसको अपन बोलते हैं, दूसरा है क्विक रेशियो जिसको अपन बोलते हैं। दोनों के फॉर्मूलाज भी अपन लोग ने रिवाइज कर लिए, आई एम श्योर आप लोगों को याद है। अब इसी में और भी तीन रेशियोज है जिसको मैं बोलता हूं मिस्कलेनियस लिक्विडिटी रेशियोज, मिसलेनियस लिक्विडिटी रेशियोज। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंडस्ट्री जो है ना, अपनी इंडस्ट्री, वो करंट रेशियो और क्विक रेशियो के बेसिस पे डिसीजन ले लेती है, वो फिर बाद में मिसलेनियस लिक्विडिटी रेशियोज पे नहीं जाती है। कब जाती है वो, अगर उनको लगा, अभी देखो बताता हूं मैं कब जाती है। सपोज करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या है, बताओ मेरे को, नहीं बोलो बोलो बोलो, चल चल, करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या है, 2:1, अगर वो आया 1.5:1, अपने को चाहिए 2, बट 1.5 आया, तो अपन कंफ्यूज हो गए कि यार ओ अब ये कंपनी कैसा है, समझ में नहीं आ रहा है, आइडियल रेशियो से कम है बट कैश के टर्म्स में पॉजिटिव है, तो थोड़ा चीजें लग रहा है कि अच्छी भी है बुरी भी है। तब आप और एक लेवल नीचे जाओगे, तब आप ये मिसलेनियस लिक्विडिटी रेशियोज को भी देखोगे और देखोगे कि भाई हाउ पॉजिटिव दे आर। सो मिसलेनियस लिक्विडिटी रेशियोज, इसमें तीन तरह के रेशियोज मैं करवाता हूं, तो वो अपन लोग लिख लेते हैं। सर ये एग्जाम में आते हैं क्या, आ सकते हैं, अगर एग्जामिनर को पेपर थोड़ा सा ट्रिकी निकालना हुआ, देन इन दैट केस दे कैन आस्क दिस। सबसे पहला है इसमें कैश / एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो, कैश / एब्सोल्यूट कैश / एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा है बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो, इसको इंटरवल मेजर भी बोलते हैं। ओके, एंड थर्ड है मेरा, सॉरी उसके बाद वाला है नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो। ये तो बेसिकली अपना यही है, बट फिर भी लिख लो, नेट वर्किंग, चलो फटाफट लिख लो ये। और अब करंट रेशियो और क्विक रेशियो तो अपना हो गया, चलो कैश रेशियो, बेसिक डिफेंस इंटरवल। इसमें ये जो बेसिक डिफेंस इंटरवल है ना, ये मेरा फेवरेट है, ये मैं अभी समझा दूंगा, बट हो सकता है आप लोगों को कुछ टाइम के बाद समझे, क्योंकि इसमें थोड़ा एक अच्छा चीज भी है, डोंट वरी, वी विल डू इट। कम ऑन गाइस,
चलो स्टार्ट करेंगे। ओके, अब सबसे पहला है मेरा आज का रेशियो, कैश या एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। तो चलो लेट्स कैलकुलेट कैश या एब्सोल्यूट लिक्विडिटी। अब इसके बारे में मैं क्या करूं, नाम से तुम लोगों को पता नहीं चल रहा है, तुम लोगों को नाम से पता नहीं चल रहा है क्या करता है ये। मेजर्स एब्सोल्यूट लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस, मेजर्स कैश लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस। कैश कितना है आपके पास, क्या उतना कैश है क्या कि लायबिलिटीज को पे ऑफ कर पाओगे? हा, ये अपन क्वेश्चन पूछते हैं कंपनी को बाय यूजिंग दिस रेशियो। पॉजिटिव हुआ देन इन दैट केस इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि डेटर्स भी है अपने पास, इन्वेंटरीज भी है, बाकी सब चीजें भी है, बट अगर यही पॉजिटिव हो गया देन इन दैट केस वी आर सिक्योर्ड। क्या भाई, चलो कंपनी के पास उतना पैसा तो है कि लायबिलिटीज को पे ऑफ कर देगा। जब कंपनी के पास उतना पैसा हो कि लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दे देन इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग एज सच। समझ रहे, चलो आ जाओ राइट ऑन। मेजर्स मेजर्स एब्सोल्यूट लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस। मेजर्स एब्सोल्यूट लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस। अच्छा, इसका खुद सोचो ना क्या होगा इसका फॉर्मूला, खुद सोचो। चलो अभी से थोड़ा मैं तुम लोगों को उधर पुश करता हूं कि खुद से फॉर्मूला डिराइव कैसे करते हैं। करेक्ट, मेरे पास जो करंट लायबिलिटी है उसको पे ऑफ करने के लिए मेरे पास कितना कैश है, राइट? सो लॉजिकली क्या होगा ये कैश रेशियो, लॉजिकली क्या होगा ये कैश रेशियो कि भाई मेरे पास कितना कैश एंड बैंक बैलेंस है, मेरे पास कितना कैश एंड बैंक बैलेंस है टू पे ऑफ माय करंट लायबिलिटीज। क्या ये फॉर्मूला मैंने डिराइव किया है, आप लोग ने खुद ने खुद से डिराइव कर पाए ना? गुड, बस इसमें एक चीज ऐड करनी है। तो देखो लॉजिकली कोई भी यही करेगा, मैंने जब फर्स्ट टाइम मैंने भी ये फॉर्मूला डिराइव किया तो यही लिखा था, बट जो मेकर्स ऑफ कैश रेशियो है उन्होंने बोला इसमें और एक चीज आप ऐड कर सकते हो, विच इज द मार्केटेबल सिक्योरिटीज, या जिसको अपन बोल सकते हैं करंट इन्वेस्टमेंट। उनका मानना है कि फॉर एग्जाम्पल आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया कुछ पैसा, ठीक है? अब स्टॉक मार्केट में अगर मैंने कोई शेयर्स खरीदे, समझो मैंने 100 शेयर्स खरीदे ऑफ रिलायंस एट द रेट रुपीज 500, ठीक है? मैं आप लोगों को बता दूं, देखो डीमैट अकाउंट सुना है तुम लोग ने, जहां से आप शेयर्स खरीदते हो। चलो कोई भी एक, अभी अपन लोग शेयर ओपन करते हैं, से कोई भी कंपनी का नाम बताओ जिसका शेयर्स लिस्टेड है। चलो गाइस तुम लोग को ही पूछता हूं, इंफोसिस। चलो इंफोसिस तो सब लोग ने सुना है, सो इधर अपन लोग देखते हैं, इधर मैं गूगल पे डाल रहा हूं इंफोसिस शेयर प्राइस। ये देखो मैंने इधर गूगल पे डाला इंफोसिस शेयर प्राइस, क्या दिख रहा है तुम लोगों को इंफोसिस शेयर प्राइस से? फॉर एग्जाम्पल 1890 सैजिलिटी इंडिया, और 1890। अब सुनो मैं तुम्हारे को बोलता हूं कि ये मेरे पास इंफोसिस का शेयर्स 1890 रुपीज पर शेयर पड़ा है मेरे पास, एंड इट इज एट द रेट, मेरे पास टोटल 100 शेयर्स है, 100 शेयर्स है, एक शेयर का वैल्यू है 1890, तो 1890 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हुआ, 189,000। मैं तुम लोगों को बोलता हूं मेरे पास 189,000 रुपीज के वर्थ जितना, 189,000 रुपीज के वर्थ जितना शेयर्स पड़ा है ऑफ इंफोसिस, ठीक है? अब मैं इनको कब बेच के मेरे अकाउंट में पैसा निकलवा सकता हूं? द आंसर इज इन 1 मिनट। यस, आज अगर मैंने मेरे डीमैट अकाउंट में सेल बटन दबाया, या मेरे ब्रोकर स्टॉक ब्रोकर को बोला भाई मेरा ये 100 शेयर बेच दे इंफोसिस का, एक सेकंड में वो बेच देगा, 189,000 मेरे अकाउंट में क्रेडिट। तो कैन आई से वो भी इतना ही कैश बैंक जितना ही लिक्विड है कि भाई ऑन द स्पॉट कैश बैंक मतलब क्या, ऑन द स्पॉट पैसा चाहिए पड़ा है अपने पास। ये शेयर्स भी जो मेरा इन्वेस्टमेंट है, जो मेरा मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, शेयर्स जिसमें इन्वेस्ट किया है वो भी वैसा ही है, खाली एक स्टॉक ब्रोकर को कॉल करके बोलना भाई बेच दे, अकाउंट में पैसा आ गया, आई एम रेडी टू यूज द कैश। तो वो बोलते हैं
कि हो सकता है कुछ लोग कैश बैंक बैलेंस ना रख के अपना पैसा इन्वेस्ट कर दे, तो है तो वो एज गुड एज कैश बैंक ही इन्वेस्ट किया ताकि और रिटर्न बढ़े, तो उसको भी आपको यहां पे कंसिडर कर लेना चाहिए। समझ में आया तुम लोगों को गाइस? लॉजिकल लग रहा है? तो अपन लोग लिखते हैं कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल मतलब जो इजीली बिक जाए, सेल करना है ना, तो सेलेबल होना चाहिए, इजीली सेलेबल होना चाहिए, मार्केटेबल सिक्योरिटी। प्लस अगर आपके पास कोई करंट इन्वेस्टमेंट्स हो, तो ये जो दो मैंने ऑरेंज में लिखा है, ऑब्वियसली दे आर डिफरेंट, सो इसके लिए ऐसे लिखा है। समझ में आया आप लोगों को गाइस? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? लिख लो। हाँ भाई, अच्छा, ओके ओके सर, कल के क्विक रेशियो में भी इंक्लूडेड है इन्वेस्टमेंट? हाँ, अगर यहां पे है तो वहां पे भी होगा ही, 101%। सो यस, इट विल बी इंक्लूडेड। करंट एसेट में भी क्विक एस, देख भाई, करंट एसेट में अगर वो आ गया ना तो वो सब जगह आ गया, ठीक है? सो करंट एसेट में भी चाहिए तो अपन लोग यहाँ पे लिख लेते। ये देख, इधर लिखा ना एनी अदर रिसीवेबल, ये एनी अदर रिसीवेबल क्या है? ये वही तो है, चाहिए तो इधर लिखवा देता हूं, ले मार्केटेबल सिक्योरिटीज। स्लैश करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है? तो देख, अभी अपन लोग ने क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या लिखा, करंट एसेट्स माइनस से इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड, तो ये दोनों माइनस होके बाय डिफॉल्ट ये वाली भी चीज आ गई थी, है ना? गॉट इट, डन, शाबाश, ओके शाबाश, चल डन। इसका सर, ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या है इसका मतलब लिखवा दो ना। आओ लिखवा देता हूं भाई, सब चीज तुम्हारे को लिखवा देता हूं, डोंट वरी। मीन्स सिक्योरिटीज और शेयर्स इजीली सेलेबल इन द मार्केट। इजीली सेलेबल इन द मार्केट, चल डन। सो आज का ये हो गया। अब सेकेंड, बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो, इसको अपन बोलते हैं बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो। पहले इसका मतलब मैं समझा देता हूं। इसका मतलब होता है कि आपकी कंपनी के पास कितना पैसा है, तो मतलब कितना लायबिलिटीज है या कितना पैसा है कि वो कितने दिन तक चल सकता है। एग्जाम्पल देता हूं आपको, आपका टोटल दिन का डेली का खर्चा है 5,000 रुपीज। ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपका डेली का खर्चा है 5,000 रुपीज।
आपके पास कैश पड़ा है 1 लाख रुपीज, कितने दिन तक आपका खर्चा चल सकता है? फटाफट मुझे आंसर दीजिए। 5,000 दिन का खर्चा है, दैट्स राइट। एंड ये जो 5,000 रुपीज का खर्चा है, ये आपका चलेगा कितने दिन तक, वो बताना है आपको। 1 लाख का आपके पास कैश पड़ा है, 5,000 दिन का खर्चा है, सो कैन आई से 20 डेज, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो, कितने डेज तक मेरा खर्चा चल सकता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो दिस रेशियो लिख लो फटाफट, मेजर्स हाउ मेनी डेज अ कंपनी कैन, कवर इट्स कैश एक्सपेंसेस, कवर इट्स कैश एक्सपेंसेस विदाउट एडिशनल फाइनेंसिंग। विदाउट एडिशनल फाइनेंसिंग लिख लिया। अब आगे फॉर्मूला लिखते हैं इसका। बेसिक डिफेंस इंटरवल, बेसिक डिफेंस इंटरवल, कितने डेज का है ये डिफेंस इंटरवल? कैश एंड बैंक बैलेंस कितना है आपके पास, प्लस करेक्ट मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अभी तुम लोग ही समझ गया, प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी, क्योंकि ये तो इमीडिएटली बेच के कैश में कन्वर्ट हो ही जाएगा। प्लस इन्होंने इसमें बोला है आपके पास अगर कोई नेट रिसीवेबल भी है तो भी आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हो। प्लस नेट रिसीवेबल, नेट रिसीवेबल का मतलब मैं तो बोलूंगा डेटर्स माइनस क्रेडिटर्स, नेट रिसीवेबल कितना है वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो इधर अपन लोग को चाहिए तो लिख सकते हैं डेटर्स माइनस क्रेडिटर्स, सिंपल, ये मेरा नेट रिसीवेबल है। द होल अपॉन द होल अपॉन डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अभी मैंने तुम लोगों को बताया था ना डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मेरा कितना था, 5,000। क्या ये डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैलकुलेट करना आएगा अपने को? बहुत इजीली, कैसे कैलकुलेट करोगे डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? चलो कोई मुझे बताओ, कोई मुझे लॉजिकली बताओ कि डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप कैसे कैलकुलेट करते हो? आप खुद सोचो, चलो आप के साल में टोटल कितने खर्चे होते हैं, क्या क्या खर्चे होते होंगे आप लोगों के? ट्रैवलिंग का खर्चा होता होगा, थोड़ा बहुत खाने पीने का खर्चा होता होगा, और वो बुक्स बुक्स का खर्चा होता है। ऐसे टोटल आपके कितने खर्चे होते हैं, कुछ एक नंबर बोल दो पूरे साल में। आप से महीने के, सर महीने के 1500, पूरे साल के 1500 × 12, 18,000। 18,000 डिवाइड बाय, सर अज्यूम करते हैं अपन 360 डेज है टोटल पूरे साल में, सो 18,000 डिवाइड बाय 360 मतलब दिन का आपका खर्चा कितना हुआ बेटा, 50 रुपीज। दिन का खर्चा कितना हुआ, 50 रुपीज। कैसे कैलकुलेट किया, मेरा पूरे साल में क्या खर्चा होने वाला है डिवाइड बाय पूरे साल में कितने नंबर ऑफ डेज है, एक दिन का टोटल खर्चा पता चल जाएगा मेरे को। हाँ या ना, समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को एवरीबॉडी? सो अगर मुझे कैलकुलेट करना है डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा,
टोटल एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज, बट इन्होंने इसको थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हैं। इन्होंने बोला है कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डिस्कस करेंगे आगे, डोंट वरी। ऐसे तो आप लोगों को पता ही होगा, सुना ही है, बट फिर भी आगे भी डिस्कस करेंगे। तो कॉग्स प्लस सेलिंग एडमिन ऑफिस जनरल एक्सपेंसेस, माइनस इसमें से डेप्रिसिएशन एंड नॉन कैश एक्सपेंस माइनस कर दो। द होल डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। द होल डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, ये मेरा टोटल खर्चा है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट शीट पढ़ा है तुम लोग ने? मैंने ही पढ़ाया ना, थैंक यू यार। सो कॉस्ट शीट अगर तुम लोग देखते हो तो मालूम है कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक जितने भी खर्चा है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड, अब उसमें फिर अपन लोग सेलिंग एडमिन भी ऐड कर दो, कर दिया। डेप्रिसिएशन और नॉन कैश एक्सपेंडिचर हुआ उतना माइनस कर दो, तो मेरे टोटल खर्चे मेरे आ गए यहाँ पे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज इन ईयर, डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गया मेरा, ठीक है। तो डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से फॉर एग्जाम्पल मेरा आता है 5,000, ये अपना जो एग्जाम्पल था, समझो अपन लोग लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं अपन लोग, समझो मेरा कॉग्स है 8,000, ठीक है, समझो मेरा सेलिंग एडमिन है, सेलिंग और अदर एक्सपेंसेस, समझो ये है मेरा 12,000, सेलिंग एक्सपेंसेस है मेरा से 8,000, डेप्रिसिएशन या नॉन कैश वाला है मेरा से 2,000, तो कितना हुआ टोटल सर? 18,000 हुआ सर, ठीक है। पूरे साल का? यस सर। पूरे साल में कितना डेज होता है सर? 360 डेज। ओके सर, सो 18,000 हेलो डिवाइड बाय 360 डेज कितना हुआ सर? ₹50 पर डे सर, ₹50 पर डे, समझ में आ गया? डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे निकालते हैं अपन लोग, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? वेरी नाइस। डन, क्लियर? तो डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे निकाला है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, यूजुअली 360 ले सकते हो। चलो अब देखो ये सब चीजें अभी समझ में आ गई है, जब इसको मैं एवरी डे रिवाइज करवाऊंगा, रिवीजन लेक्चर के थ्रू रिवाइज करवाऊंगा, एकदम सिस्टमेटिकली दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। चलो डन, और एक इसका वो लोग ने फॉर्मूला दिया है, वो तुम लोगों को वो भी लिखना है तो लिख सकते हो तुम लोग। इसको बोलते हैं अगेन बेसिक डिफेंस इंटरवल डेज। समझ में आया ना क्या होता है ये बेसिक डिफेंस इंटरवल? भाई कितना दिन का खर्चा निकालने का पैसा है तुम्हारे पास? तो एक दिन का मेरा खर्चा है एक दिन का मेरा खर्चा है 50 रुपया, तुम्हारे पास है 5,000 रुपया, ये सब कैश बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, नेट रिजर्व, 5,000 है तुम्हारा, 50 रुपए का मेरा डेली का खर्चा है, तो 100 डेज तक संभाल सकते हैं भाई। 100 डेज तक कुछ ना कर रहा हूं तो भी टेंशन नहीं है सर। इतने फॉर्मूलाज कैसे याद रहेंगे? गुड
गुड क्वेश्चन, रिवाइज करेंगे अपन लोग एक एक चीज को ना, इसीलिए तो रिवाइज करते हैं। बेसिक डिफेंस इंटरवल आराम से याद हो जाएंगे, टेंशन मत लो, क्योंकि जब अभी अपन लोग सम्स करेंगे तो सम्स में यूज होंगे ये फॉर्मूलाज, बार बार लेक्चर टू लेक्चर रिवाइज करेंगे, रिवीजन लेक्चर 2-3 बार सुनेंगे, खुद से थोड़े नोट्स बनाएंगे, ऑटोमेटिकली सब हो जाएगा, समझ रहे हो। चलो बेसिक डिफेंस इंटरवल का और एक फॉर्मूला है, करंट एसेट माइनस प्रीपेड माइनस इन्वेंटरीज द होल डिवाइड बाय डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इधर है ना, ये डेबिट माइनस क्रेडिट मत लिखो, इसको नेट रिसीवेबल को नेट डेटर्स ही लेने देते अपन लोग, इसको लिख दो नेट डेटर्स, ठीक है। चल ये वाला भी फॉर्मूला लिख लो फटाफट। हो गया तो बता देना सर, फॉर्मूलास को आप सब करवा देंगे। हाँ चलो, ये मेरा वादा रहा कि बाय द एंड ऑफ चैप्टर तो नहीं बोलूंगा, जब अपन बार बार रिवाइज कर देंगे तो बाय द एंड ऑफ इट सब फॉर्मूलास याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, 101% है, डन। चलो नेक्स्ट है मेरा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तुम लोग कंफर्म कर लो ये हो गया क्या लिख के। हाँ ओके लास्ट नेट वर्किंग कैपिटल, सी दिस इज यू कैन से अ मेजर ऑफ कैश फ्लो एंड मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव। इट इज अ मेजर ऑफ कैश फ्लो एंड मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव, समझ में आ गया। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है वो तो अपने को पता ही है ना बेटा, NWC इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ऑब्वियसली करंट लाइबिलिटीज एक्सक्लूड्स शॉर्ट टर्म बैंक बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बैंक, तो करंट लाइबिलिटीज में मेनली ट्रेड पेबल्स आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आता है, शॉर्ट टर्म बैंक बोरोइंग नहीं लेंगे। चलो इसी के साथ अपना पहला रेशियो लिक्विडिटी रेशियोस कंप्लीट होता है। आर यू ऑल कॉन्फिडेंट? यस, एक एग्जांपल दे दो। चलो आ जाओ, कैलक्यूलेट करंट रेशियो, करंट एंड क्विक रेशियो फ्रॉम बिलो इन्फो। ये है हमारी कंपनी की बैलेंस शीट, एस के कंपनी BS बैलेंस शीट। एस के कंपनी
बैलेंस शीट। सो यहां पे आ जाता है अपने फिक्स्ड एसेट 10,000, स्टॉक 5,000, डेटर्स 8,000, कैश बैंक 6,000, प्रीपेड 4,000। क्रेडिट साइड पे आ जाता है हमारा शेयर कैपिटल 15,000, प्रेफरेंस शेयर, ये इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5,000, डिबेंचर्स 3,000, क्रेडिटर्स 7,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000। सबसे पहले देखो भाई बैलेंस शीट टैली हो रहा है कि नहीं, 10, 3, 13। चलो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको मुझे कैलकुलेट करके बताना है दो रेशियोस। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। कम ऑन स्टार्ट। डन, बोलो। सो करंट रेशियो आया है 2.3:1 एंड क्विक रेशियो आया है 1.4:1। चलो आओ फटाफट कैलकुलेट करके देखते हैं। फर्स्ट करंट रेशियो क्या होता है सर? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। चलो करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें आती है सर? बताओ। स्टॉक, यस सर। डेटर्स, यस सर। कैश बैंक, यस सर। प्रीपेड, यस सर। सो कितना आ जाता है इधर? 5,000 प्लस 8,000 प्लस 6,000 एंड लास्ट 4,000। द होल डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है? क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सो 7,000 प्लस 3,000, तो बोलो टोटल कितना आ रहा है? 5 प्लस 8 13 प्लस 6 19 प्लस 4 23 डिवाइड बाय 10,000 इज इक्वल टू 2.3:1। भले ही वो ना बोले बट फिर भी अपने को है ना साथ में एक एनालिसिस लिख देने का। एनालिसिस क्या बोलता है? से इट इज बेटर देन द आइडियल रेशियो ऑफ 2:1, सो द कंपनी इज डूइंग गुड, है ना। तो एग्जामिनर को कितना अच्छा लगा होगा, क्या होशियार बच्चा है यार, वाह 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 वाह। सो वी विल से बेटर देन आइडियल रेशियो, कंपनी डूइंग गुड। ठीक है, करंट रेशियो गया। अब आ गया क्विक रेशियो। क्विक रेशियो, क्विक रेशियो क्या होता है? करंट एसेट्स QR इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इसमें से फालतू जो जल्दी से पैसा नहीं देगी इन्वेंटरीज प्रीपेड ये सबको निकाल दो बाहर यार नहीं चाहिए, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो मेरे पास करंट एसेट्स तो है भाई 23,000 बट इसमें से जो स्टॉक है और प्रीपेड है उसको मैं निकाल देता हूं
तो -5000 -4000 डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज कितना आता है 10000 डिवाइड बाय 10000 सो कितना हो गया 23000 -9 बोलो 14000 डिवाइड बाय 10000 एंड आप लोग सब लोगों का आंसर एकदम करेक्ट है 1.4:1 कैन आई से बेटर देन आइडियल रेशियो क्योंकि इसका आइडियल रेशियो कितना है 1:1 सो बेटर देन आइडियल रेशियो ऑफ 1:1 शाबाश देखो फॉर्मूलास भी हो गए एग्जांपल भी हो गया कॉन्फिडेंस भी आ गया ठीक है सर याद नहीं रह रहा है होगा रिवाइज करेंगे और लॉजिकल डिस्कशंस करेंगे सब चीज हो जाएगी डोंट वरी ठीक है चलो अब इस बात पे क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरे लिक्विडिटी रेशियोज कंप्लीट होते हैं क्या इस बात पे मैं बोल सकता हूं कि मेरे लिक्विडिटी रेशियोज कंप्लीट होते हैं और आप लोगों को अच्छी तरह से पूर्णतः समझ गया है बोलो बोलो चल चल सेकेंड रेशियो मेरा कौन सा है ये थे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज अब मैं क्या देखूंगा जब बात लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज तो हेडिंग देंगे अपन नेक्स्ट इन लाइन एंड दैट इज यस लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज चलो गाइस सो अब आ रहे अपन लोग लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज के पहले फटाफट पर बता दो मेरे को शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज में क्या क्या आते हैं बेटा उसको वो प्यार से क्या बोलते हैं लिक्विडिटी रेशियोज चार तरह के रेशियोज मेनली आएंगे उस पांच बोल सकते हो चार बोल सकते हो चार है एक है मेरा करंट रेशियो दूसरा है मेरा बोलो दूसरा है मेरा कमॉन कमॉन एवरीबॉडी करंट रेशियो के बाद और क्या आएगा क्विक रेशियो वेरी गुड तीसरा बेसिक इंटरवल रेशियो वेरी गुड चौथा कैश एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो और लास्ट नेटवर्किंग कैपिटल रेशियो Got it. So, ये हो गया मेरा फर्स्ट फेज एंड दैट इज लिक्विडिटी रेशियोज अब आ रहे अपन लोग अपने सेकेंड फेज के ऊपर जिसका नाम है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज सेकेंड लेवरेज स्लैश सर इसको लेवरेज रेशियो भी क्यों बोलते हैं बताता हूं जैसे उसको लिक्विडिटी बोलते हैं ना लिक्विडिटी चेक करता है ये लेवरेज चेक करता है बताएंगे सब सब समझेगा डोंट वरी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोस तुम लोगों को कुछ भी डाउट आते जाता है पूछ लेना बिंदास गूगल ड्राइव के स्टूडेंट हो व्हाट्सएप कर देना बिंदास बट वैसे सर एक मिसलेनियस रेशियोस का भी एग्जांपल करवा दो गुड पॉइंट यू आर ट्राइंग टू से कि बेसिक डिफेंस इंटरवल का ये भी करवा दूंगा मैं चलो डोंट वरी एंड कैश एब्सोल्यूट का यू वॉन्ट टू हैव एग्जाम्पल राइट वी कैन डू इट बस उसमें वही है डेली एक्सपेंसिस और वो सब मेरे को एड करना पड़ेगा सो वो अपन लोग कर लेते हैं चलो सो लेट्स हैव दैट एग्जाम्पल ऑल्सो लगे हाथों बिफोर वी स्टार्ट विद द लेवरेज रेशियो डन ओके सो कैलक्यूलेट बेसिक इंटरवेल And cash ratio from below info. आपको दिया हुआ है PNL account, आपको दिया हुआ है balance sheet account. Profit and loss account में आपको दिया हुआ है Cost of goods sold ₹1 lakh ₹1 lakh cost of goods sold ₹1 lakh Then the depreciation 40,000 बट ये इसमें ठीक है ठीक है तो इधर मैं ऐसे लिखवा देता हूं देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 लाख
इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 15,000, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 25,000, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर 360 days, बैलेंस शीट भी बना लेते हैं अपन। चलो बैलेंस शीट भी बना रहे हैं अपन। बैलेंस शीट में अपना आ जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल 15,000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5,000, डिबेंचर्स 10,000, क्रेडिटर्स 14,000, डन। फिक्स्ड एसेट्स 8,000, कैश 16,000, करंट इन्वेस्टमेंट 4,000, डेटर्स 7,000 एंड स्टॉक भी 7,000, ठीक है। चलो फटाफट सबसे पहले देख लो बैलेंस शीट टैली हो रहा है ना। स्टॉक ले लेते हैं अपन 9,000। अच्छा इसको 7,000 ही रखता हूं, इसको 6,000 कर देते हैं, ठीक है। चल कम ऑन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, ठीक है। इस बहाने अपना सारे रेशियोज का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। कमन कमन एवरीबॉडी स्टार्ट। ओके टाइम इज अप, चलो लेट्स डू द कैलकुलेशंस, देखते हैं तुम्हारे आंसर्स क्या आए हैं बेटा। बोलो बोलो बोलो, कर रहे हो कैलकुलेट अभी तक? चलो मैं स्टार्ट कर दूं। सबसे पहले मैं तो सिंपल वाला करूंगा भाई, और वो है मेरा प्यारा दुलारा कैश रेशियो। अब बताओ कैश रेशियो क्या होता है? कैन आई से कैश बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी अपॉन करंट लायबिलिटी, राइट। ये हो गया मेरा कैश रेशियो, वेरी नाइस। देखो जरा क्या है कैश बैंक, क्या है मेरा 16,000, मार्केटेबल सिक्योरिटी कितना है मेरा 6,000 अपॉन
करंट लायबिलिटी इज 14,000, सो 22,000 डिवाइड बाय 14,000 ये आता है 1.57:1. सो भाई मेरा इसका मतलब क्या है, मेरा न्यूमरेटर इज 1.5 टाइम्स मोर देन माय डिनोमिनेटर, मतलब मेरा कैश एंड बैंक इज मोर 1.5 टाइम्स मोर देन माय करंट लायबिलिटीज. एंड दूसरा मेरा पार्ट था बेसिक इंटरवल डेज. चलो ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं अपन. सो मेरे पास उसमें क्या होता है, कैश एंड बैंक प्लस मार्केटेबल प्लस नेट रिसीवेबल. सो कैश एंड बैंक कितना है, 16,000. सो इट विल बी कैलकुलेटेड एज 16,000, 6,000 भी मिलने वाला है प्लस अब नेट रिसीवेबल भी लेना है, मैंने आपको बोला डेटर्स ले लेने का उसमें, तो 7,000 आ जाएगा. डन, डिवाइड बाय 14,000, तो ये कितना हो गया, अच्छा सॉरी करंट लायबिलिटी डिवाइड बाय डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंस. सो डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैलकुलेट करो बेटा, किया तुम लोग ने. सो इधर देखो मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या क्या आ रहा है, 1,00,000, बट उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना है. सो 1,00,000 प्लस 25,000 भी मेरा खर्चा हुआ है, बट उसमें से नॉन कैश माइनस कर देना है 15,000, क्योंकि वो मेरा रियल आउटफ्लो नहीं है. तो 1,25,000 माइनस 15,000 आता है 1,10,000. कितने डेज के लिए, तो उधर देखो नंबर ऑफ डेज बोला है 360 डेज, तो भाई मेरा टोटल खर्चा 1,10,000 360 डेज के लिए, तो ये हो जाता है 1,10,000 डिवाइड बाय 360 एंड दिस विल बी 305.56 रुपीज पर डे. सो रुपीज 306 पर डे अपन लोग ले लेते हैं ग्राउंड ऑफ. तो मेरे पास अगर 306 रुपए हर दिन का मेरा खर्चा है और मेरे पास टोटल 29,000 रुपीज है, तो इन शॉर्ट कैन आई से अप्रोक्सीमेटली 95 डेज का कैश मेरे पास पड़ा है, 95 डेज का कैश मेरे पास पड़ा है. सही है, सब लोग का आंसर यही आया है अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा आपका राउंडिंग ऑफ पे, पर राउंडिंग ऑफ में वो 95 हो ही जाएगा. गच्चा एवरीवन, सही है. सो इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकला, 95 डेज का मेरा खर्चा निकल जाए उतना कैश मेरे पास पड़ा, उतना कैश मेरे पास पड़ा, नो डाउट. ओके गाइस, आगे बढ़ेंगे. अब फाइनली आ सकते हैं अपन लोग लेवरेज लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज के ऊपर. सर राउंड ऑफ कैसे ले लें, नेक्स्ट डे पे ले लो, नेक्स्ट उस पे ले लो. सपोज 94.1 भी आता ना तो आप नेक्स्ट उस पे ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लोड नहीं है. 0.5 के ऊपर है तो नेक्स्ट का राउंड ऑफ, 0.5 का नीचे है तो पहले वाला राउंड ऑफ, जो अपन टिपिकली मैथमेटिक्स में करते हैं वो भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राउंड ऑफ का इतना लोड नहीं है, सो डोंट वरी. इसी के साथ लिक्विडिटी रेशियोस, अब फॉर्मूला याद भी रह जाएगा क्योंकि एग्जाम्पल भी कर दिया, सो गुड आइडिया, एग्जाम्पल इसका भी हो गया, नाउ वी आर सॉर्टेड, नाउ वी आर सॉर्टेड. अब अपन लोग चल रहे हैं नेक्स्ट के ऊपर, and that is leverage या long term solvency ratios. leverage या long term solvency ratios इसमें दो होते हैं, एक होता है capital structure ratio, एक होता है capital structure ratio, दूसरा होता है coverage ratio, दूसरा होता है कवरेज रेशियो. कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो में अप्रोक्सीमेटली 6 है, 6 आइटम्स एंड इसमें अराउंड 4 to 5 है. अब लिखवाता हूं कौन से, सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो के लिख लो. फर्स्ट इक्विटी रेशियो,
अभी पूरा रेशियो नहीं लिख रहा हूं मैं, आर लिख रहा हूं, डेट रेशियो। सीधी सी बात है, नेक्स्ट क्या होगा? डेट इक्विटी रेशियो। ओके नेक्स्ट, डेट टू टोटल एसेट्स, देन लिख लो कैपिटल गियरिंग, मेरा फेवरेट। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, प्रोप्राइटरी रेशियो। एंड देन वी नो देयर इज कवरेज रेशियोज, इसमें आता है मेरा डीएससीआर, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, DSCR, then interest coverage, then preference dividend coverage, लिख लो फिलहाल, डोंट वरी सब हो जाएगा। सो इतने सारे, हाँ इक्विटी डिविडेंड कवरेज, लास्ट फिक्स चार्जेस कवरेज। ठीक है चलो फटाफट कॉपी कर लो। ओके लिख लिया, चलो अब एक एक अपने को इधर एनालाइज करते जाना है। ठीक है, यस यस, इट इज गोइंग टू बी फन। टोटल काउंट कितना है सर, टोटल कितने फॉर्मूलाज है, नंबर ऐसे नंबर से थोड़ी कोई याद रखता है यार। ओके सो सबसे पहली चीज, ये जो लेवरेज रेशियोज है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज है ना, ये किसके लिए होते हैं? टू चेक द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ द फर्म। किसके लिए होते हैं? टू चेक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ द फर्म। सॉरी, टू चेक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ फर्म। ठीक है, आओ पहले करते हैं अपन लोग कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब बचपन से किया है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, लोन्स। अब तुम लोग नोट करो, यही सब है यहां पे, इक्विटी, डेट, प्रेफरेंस शेयर, कैपिटल गियरिंग में भी प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर का आएगा, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, पूरा का पूरा जो कैपिटल वाला पार्ट है ना वो है। अब अगर तुम लोग ने नोट किया होगा तो ये देखो, इधर ये है मेरी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आता है मेरा फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, इधर आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल,
डिबेंचर्स एंड करंट लायबिलिटीज, ये जो मेरा पार्ट है ना, दिस इज फॉर लिक्विडिटी, या जिसको अपन बोलते हैं शॉर्ट टर्म रेशियोज। तो जो बचा हुआ पार्ट है ना, ये जो बचा हुआ पार्ट है ना, इसको अपन लोग यूज करेंगे इन कैलकुलेटिंग द लॉन्ग टर्म रेशियोज। इसको बोलते हैं लेवरेज। लेवरेज मतलब कितना इक्विटी, कितना डेट, और डेट इक्विटी ऊपर नीचे करने की वजह से क्या मेरे प्रॉफिटेबिलिटी में चेंज होगा। तो बेसिकली जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, इसके लिए उसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज। सो ये है मेरा लेवरेज, या जिसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म रेशियोज। तो सर इसमें कहीं पे भी फिक्स्ड एसेट तो दिख ही नहीं रहा है अपने फॉर्मूलाज में, आई मीन फॉर्मूला के नाम में फिक्स्ड एसेट नहीं है, बट आएगा, डोंट वरी। सो समझ में आ गया, बैलेंस शीट का जो ये नीचे वाला पार्ट है, दैट इज लिक्विडिटी रेशियोज। बैलेंस शीट का जो ये ऊपर वाला पार्ट है, अब जो अपन लोग करने वाले हैं वो मेरे क्या है, लॉन्ग टर्म रेशियोज, राइट। चलो फर्स्ट इन कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज 2A, इन कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज सबसे पहला है इक्विटी रेशियो। सबसे पहला है मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो में इक्विटी रेशियो। इक्विटी क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, ऑब्वियसली उसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आ ही जाता है बाय डिफॉल्ट। ओके, कितना मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है इन कंपैरिजन टू माय फिक्स्ड एसेट्स इज माय इक्विटी रेशियो। इसको ऐसे भी इंटरप्रेट करते हैं कि मेरा कितना इक्विटी शेयर कैपिटल का पैसा फिक्स्ड एसेट्स में मैंने इन्वेस्ट किया है। आई गिव यू एन एग्जाम्पल, पे अटेंशन। सो फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस द होल डिवाइड बाय नेट असेट्स, द होल डिवाइड बाय नेट असेट्स। सर ये नेट असेट्स क्या होता है, आइए इसको भी वो है बाइफर्केशन। अब ये नेट असेट्स है नेट फिक्स्ड एसेट, पहले लिख लो यार, फिर साथ में डिस्कस करेंगे, वरना ना इधर के रहोगे ना उधर के, पहले लिख लो नेट फिक्स्ड असेट। ठीक है ना, इधर लिख सकते हो आप वैल्यू ऑफ एसेट नेट ऑफ डेप्रिसिएशन, एंड दूसरा है नेट करंट एसेट। सर वो भी आएगा, हाँ वो भी आएगा। सो नेट करंट एसेट में क्या आएगा, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, हमारा वर्किंग कैपिटल। और एक नोट लिखवा देता हूं तुम्हारे को यहां पे, पहले लिख लो, लिख लो, फिर साथ में समझेंगे बेटा, लोड मत लो इतना। नोट, इक्विटी रेशियो शुड बी मोर देन वन, ऐसा ना हो कि पूरा पैसा नेट एसेट में लगा दियो। इक्विटी रेशियो शुड बी मोर देन वन, जब भी अपने को कोई चीज मोर देन वन चाहिए ना, इसका मतलब अपने को चाहिए कि न्यूमरेटर ज्यादा हो। ध्यान रखना, एक मैथ्स की बात है, बेसिक सी बात है, पता भी होगा आपको, अच्छी बात हो गई। बट वेन एवर वी वॉन्ट इक्विटी रेशियो टू बी मोर देन वन, इसका सिंपल सा मतलब यह है कि न्यूमरेटर शुड बी मोर देन द डिनोमिनेटर। चलो अब लिख लो ये एक बार, फटाफट कॉपी कर लो।
डन। अब सुनो, व्हाट इज एग्जैक्टली इक्विटी रेशियो। सो जैसा मैंने आपको बोला कि भाई टोटल मेरा जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसका कितना पैसा मैंने नेट एसेट्स में लगाया है। नेट एसेट मतलब फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट। अब इधर करंट एसेट भी मतलब वर्किंग कैपिटल है, ये बेसिकली आपका इधर वर्किंग कैपिटल दिख रहा होगा आप लोगों को, ये वर्किंग कैपिटल। सो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस डिवाइड बाय नेट एसेट्स। व्हाट इज नेट एसेट्स? नेट फिक्स्ड एसेट प्लस नेट वर्किंग कैपिटल। ओके, सो ये मेरा फिक्स्ड एसेट है 100 रुपीज, मेरा नेट करंट एसेट मतलब या वर्किंग कैपिटल है मेरा 20 रुपीज। सो ये हो गया 100 प्लस 20 120, ठीक है। और मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल है से 240। सो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 50% पैसा ही मैंने यहां पे नेट एसेट्स में इन्वेस्ट किया है। इन शॉर्ट, माय इक्विटी शेयर कैपिटल इज डबल ऑफ माय नेट एसेट्स, ऑफ माय नेट एसेट्स। समझ में आ गया? अब यहां पे जब वो नेट फिक्स्ड एसेट वर्ड यूज करेगा ना, तो आपको टोटल वैल्यू ऑफ एसेट लेस डेप्रिसिएशन करके जो आता है वो है। बट नेट एसेट्स वर्ड यूज करेगा ना, तो फिर इसमें आपका नेट फिक्स्ड एसेट प्लस नेट करंट एसेट दोनों भी आ जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग क्या वर्ड यूज किया? देखो, नेट एसेट्स वर्ड यूज किया, इसके लिए फिक्स्ड प्लस करंट दोनों भी अपन लोग ने ले लिया है, राइट? समझे क्या? डन डन। सेकेंड के ऊपर चलते, तो इधर से मेरे को क्या पता चला कि भाई कितना इक्विटी शेयर कैपिटल का पैसा नेट फिक्स्ड एसेट में मैंने लगाया है। सेकेंड बी, बी क्या है? डेट रेशियो। बी क्या है? डेट रेशियो। व्हाट इज डेट रेशियो? सो अपन लिखेंगे यहां पे डेट रेशियो इज इक्वल टू, सेम यहां पे क्या था, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, इधर क्या होगा? करेक्ट, टोटल डेट अपॉन नेट एसेट्स, अपॉन नेट एसेट्स। नेट एसेट अपन लोग ने अभी किया भाई, है ना बेटा? इसको नाम दे देते अपन लोग वर्किंग नोट वन, ऐसे ही कुछ। तो ये इधर आ गया वर्किंग नोट वन, नेट एसेट्स एंड टोटल डेट। बोलो क्या क्या आएगा यहां पे टोटल डेट में? टोटल डेट इज इक्वल टू शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सब शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिबेंचर्स, बैंक लोन्स, बॉन्ड्स, सारा दुनिया में जितना डेट के रिलेटेड सुना है सब इधर डाल दो, पब्लिक डिपॉजिट्स, सारा सारा सब इसके अंदर आ गया। बोलो ठीक है, चलो लिख लो। सर इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? यही नेट डेट का टोटल पैसा कितना नेट एसेट में लगा है, सिंपल। डन, फिर बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अभी सुनो, अभी इसको मैं क्या करूंगा, और दो तीन तुम लोगों को फॉर्मूला दिखा दूंगा, फिर एक साथ इसको अपन लोग कंबाइन करके समझेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगा, डोंट वरी। अब आते हैं थर्ड के ऊपर। थर्ड क्या बोलता है मेरा? डेट टू इक्विटी रेशियो।
debt to equity ratio. क्या होगा फॉर्मूला? डेट टू इक्विटी, नाम से ही पता चल रहा है, डेट अरे टू इक्विटी, नाम से ही पता चल रहा है डेट. अब यहां पे थोड़ा ये लोग खेला खेल गए हैं, ठीक है. ये अब ये देखो ना, ये चीज है ना, कुछ चीजें मुझे इंस्टीट्यूट की पसंद नहीं है. आप पूछेंगे क्या सर, वो अब मैं तुम लोगों को बताऊंगा. अब आइडियली डेट यही वाला लेना चाहिए था ना उनको, उन्होंने बोला नहीं, ये इसमें जो जो शॉर्ट टर्म बोरिंग है ना वो हमको नहीं चाहिए, तो उन्होंने वो हटा दिया. वैसा है सो ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, अपने पास ऑप्शन नहीं है थोड़ा, ये लोग यहां पे खेला खेल गए. राइट अप, चलो लिखो. Debt is equal to दो होता है इसमें. देखो डेट अपने पास यहां पे क्या था, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिबेंचर्स, बैंक लोन, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, कोई भी ऐसा फंड जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, वो सारा का सारा इज अ पार्ट ऑफ डेट. वो सारा का सारा इज अ पार्ट ऑफ debt. So ideally all of this should be included. Now so let's write this, कि भाई debt में हम हमारा जो working note 2 वाला debt था हम वही लिखेंगे. कभी कभी institute ये short term वाले को ignore कर देती है, कभी कभी. So ऐसा कुछ हुआ question में तो मैं तुम लोगों को guide करूंगा, don't worry. But for now अभी logically मैंने यहाँ पे debt लिखा है, ठीक है. So मेरे को वो debt मेरे हिसाब से मैं वही कंटिन्यू करूंगा. सो आई विल राइट हियर डेट जो वर्किंग नोट टू से आया है, मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, एवरीथिंग एवरीथिंग. तो इधर मैं लिख देता हूं भाई, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस शॉर्ट टर्म लायबिलिटी प्लस शॉर्ट टर्म बॉरोइंग. So, इसमें सब आ गया मेरा, इसमें डेट एज पर वर्किंग नोट टू पूरा का पूरा आ गया अपना, अपॉन इक्विटी. अब इक्विटी में इधर अपन लोग लिखेंगे शेयर होल्डर्स इक्विटी, विच इज इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस अगर कोई भी फिक्टिशियस एसेट्स हो. फिक्टिशियस एसेट समझते हो, वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू द एक्सटेंट नॉट रिटन ऑफ एसेट साइड पे आता है, उसको माइनस कर देने का. उसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स. ये इधर माइनस हो जाएगा. सो सर यहां पे भी इसको माइनस कर दे क्या? कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो इफ यू वांट आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है. फिक्टिशियस एसेट्स मतलब मिसलेनियस एक्सपेंसेस टू द एक्सटेंट नॉट रिटन ऑफ. ठीक है, तो ये लिख लो. रैडम रैडम लिख लिया. फिर बाद में देखो क्या बोला है नेक्स्ट. डेट टू टोटल एसेट रेशियो है शायद, चेक करो. डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो. डी अगेन आई एम टेलिंग यू, मेरे लिए डेट इक्विटी में क्या आता है फॉर्मूला, इट इज डेट टोटल डेट, जो भी है अपना पब्लिक डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिबेंचर, सब 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 मेरा इसमें, लॉन्ग बैंक लोन्स, एवरीथिंग इसमें मेरा आ गया. अपॉन इक्विटी शेयर, इक्विटी इक्विटी क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस 50 शेयर. तो होगा क्या इससे बताए,
मेरे को इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला पता है, मेरे को डेट इक्विटी डेट रेशियो का फॉर्मूला पता है, मैं डेट इक्विटी रेशियो ऑटोमेटिकली वहां से ही डेट और इक्विटी निकाल के अपना आंसर निकाल सकता हूँ यार, कोई टेंशन ही नहीं है मेरे को, राइट right? वैसा. नेक्स्ट है डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो. डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो, तो इसमें क्या आएगा, हाँ सेम, डेट अपॉन टोटल एसेट्स. डेट वही वर्किंग नोट टू वाला बेटा, अपॉन टोटल एसेट्स. सर इसमें टोटल एसेट्स में क्या आएगा, गुड क्वेश्चन. सो टोटल एसेट में जो एसेट साइड का टोटल है ना, वही सीधा अपन लोग यहां पे लिख लेंगे, सिंपल. इधर टोटल एसेट में वी विल राइट डाउन नेट फिक्स असेट प्लस करंट असेट, लिख लो. अब मेरे को एक मस्त क्वेश्चन आया है, अब मेरे को एक मस्त क्वेश्चन आया है, पूछू तुम लोगों को, मुझे बताओ आपको क्या चाहिए, डेट टू टोटल एसेट्स ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, सोच समझ के जवाब देना. एग्जाम्पल इधर चाहिए तो खुद का एक सब्स्टिट्यूट करके ट्राई करो. समझो डेट है 100, टोटल एसेट्स है 50, तो 1:100:50 हो गया ये, तो मतलब 2:1 हो गया बेसिकली. So, do you want the debt to be 2 and total assets to be 1? Never. So, अपने को क्या चाहिए यहाँ पे, always lower the better. जितना कम ratio, उसका मतलब उतना कम debt है. हाश, tension free, शांति. समझे? अब ये सब calculate कैसे करते हैं? से अभी आप लोग आ गए screener के ऊपर. एक example देता हूँ. एक screener के ऊपर आ गए. अब ये देखो screener में आपको इधर balance sheet दिखेगा. दिख रहा है? यस सर, बैलेंस शीट दिख रहा है. ये देखो इधर आप लोगों को बोरोइंग्स दिखेगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लीज लायबिलिटी, अदर बोरोइंग, अदर लायबिलिटी. बस यही है आपका डेट, यही है आपका डेट. खड्डे खड्डे बैठे बैठे आपको इधर दिखा दिया. ये आपका टोटल एसेट्स. ए भाई, दिख रहा है आपको टोटल एसेट? दिखा 168,330. बोलो कौन सी कंपनी का ये, आप लोग ने सीधा निकाल दिया यार, मार के आप लोगों को. कौन सी कंपनी है देखे जरा, द कंपनी इज टाटा मोटर्स लिमिटेड, इसको प्यार से बोलते हैं टामो, टाटा मोटर्स. ठीक है, सो टाटा मोटर्स का आप लोगों को कोई बोलता है जरा डेट इक्विटी रेशियो निकाल के लाना, तो आप लोग निकाल सकते हो क्या? डेट टू टोटल एसेट निकालना है, निकाल सकते हो क्या? द आंसर इज यस. ये रहा डेट कितना है, 53716 अपॉन टोटल एसेट कितना है, 168,330. अब आप बोलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, 53,000 डिवाइड बाय अप्रोक्सीमेट, चलो पूरे ही लेता हूं, 53,716 डिवाइड बाय 168,330, तो ये इधर आ गया अपना 31.9%. मतलब मेरे पास जितना टोटल एसेट्स है उसका खाली 30% मेरा बोरोइंग्स में गया है. हर्ष कंपनी अच्छी है यार, बहुत ज्यादा बोरोइंग लेके नहीं रखा है. समझ में आया इंटरप्रिटेशन स्क्रीनर के थ्रू, और ये प्रैक्टिकली यूज करता है भाई राकेश झुनझुनवाला, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स एक्चुअली ये यूज करते हैं, इसीलिए मैंने बोला स्क्रीनर सब यूज करेंगे, और ये रेशियोज भी सब यूज करते हैं. अब खोला वो लोग ने अपना ही बुक, खोला अपना ऑप्टिमाइज खोला उन्होंने, अच्छा डेट टू टोटल एसेट्स चलो इसका देखते हैं कितना है, 31.9% ही है, मतलब टोटल एसेट्स का खाली 30% इन्वेस्टेड है, मतलब लोन के थ्रू हम लोग ने लिया है, तो टेंशन नहीं है. गॉट इट एवरीवन? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं. हाँ, समझ में आया, फील आया समझ में तुम लोगों को क्या इधर चल रहा है प्रैक्टिकली. हाँ, दिखा भी दिया तुम लोगों को, देखो ये रहा इधर एक्चुअली यूज होता है ये. बोरोइंग देखा मैंने, टोटल एसेट देखा, हो गया बोरोइंग में, शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी आ गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी आ गया, सब चीज आ गई, लायबिलिटी देख लिया, डन, नो टेंशन नाउ. अभी अदर लायबिलिटीज पे समझो मैं क्लिक करता हूं, तो ये आ गया देखो, ट्रेड पेबल, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, अदर लायबिलिटी जैसे आउटस्टैंडिंग होगा कुछ, वो सब इधर आ गया. समझो इधर ही आपको मैं बोलता हूं कैलक्यूलेट द
करंट रेशियो, तो आप लोग निकाल सकते हो, द आंसर इज यस। आपको क्या करना है, अदर एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय अदर लायबिलिटीज। तो देखो इसका जरा, 85,600 प्लस इन्वेस्टमेंट 8,765 डिवाइड बाय 76,977, तो इसका करंट रेशियो आता है 1.23। तो अपन बोलेंगे बहुत अच्छा भी नहीं है, पर ठीक है, दे हैव टू इंप्रूव देयर करंट रेशियो। तो ये अपन एनालिसिस देंगे अपना, दैट टाटा मोटर्स, क्या बात है यार, मतलब आज तुम लोग टाटा मोटर्स को एडवाइस दे रहे हो क्या कि भाई टाटा मोटर्स अपना करंट रेशियो सुधार जरा, कितना ज्यादा लायबिलिटीज एज कंपेयर टू द एसेट्स। एंड एक्चुअली दिख रहा है ना यार, खाली इसका 85 प्लस 8 खाली 93,000 का है, और सामने लायबिलिटीज देखो कितना है, देखो जरा, समझ रहे है? तो भाई यहां पे तुम लोग अब जो रेशियो चाहे कैलकुलेट कर सकते हो। कोई मुझे पूछ रहा है सीडब्ल्यूआईपी क्या है, सीडब्ल्यूआईपी मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इट्स अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, बट वो अभी तक फिक्स्ड एसेट में कन्वर्ट नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल कोई मशीन है, बट वही मशीन इंस्टॉल हो रही है, ये है ना बड़ी बड़ी कंपनीज है, टाटा मोटर्स कार बनाती है, ये कंपनी की मशीनरी अपने घर जितनी होती है, तो ये मशीनरी बनने में इनको 6-6 महीने लग जाते हैं, तो वो कैपिटल जब तक बनती नहीं है ना, वो इट इज अ पार्ट ऑफ सीडब्ल्यूआईपी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। समझ में आया आपको एवरीबॉडी? ठीक है, चलो डन 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 डन। तो एक फील दे रहा हूं मैं आप लोगों को खाली कि यार टेंशन नहीं लेना है, जब स्क्रीनर पे बैठ के अपन खुद कैलकुलेट कर पाए सब चीजें, तो यार और क्या चाहिए अपने को लाइफ में। ये देखो इधर, ये रेशियोज, अभी इन्होंने बहुत कम रेशियोज दिए, अपन तो कितने ही रेशियोज निकाल सकते हैं यार, क्या बात करते हो सर, शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड एवरीथिंग इज हियर। तुम लोगों को सीखना है मेरे से ये सब, सीखना है तुम लोगों को ये सब मेरे से, कैसे एनालाइज करते हैं ये स्क्रीनर को एंड एवरीथिंग, बहुत मजा आता है फ्री टाइम में कभी बैठ के ये सब करने को, बहुत मजा आता है। चलो एनीवेज, कहानी को आगे बढ़ाएंगे अपन लोग, एंड फ्रॉम हियर वी गो ऑन टू आवर नेक्स्ट रेशियो फ्रॉम डेट टू टोटल एसेट। इतने सारे फॉर्मूलाज याद रहेंगे, टेंशन मत लो, यस सर सब सीख लेंगे, वेरी गुड यार। इतना सारा पैसा 10,000 करोड़ तुम लोग भी कमाओगे, मुझे कितना दोगे गुरु दक्षिणा, भूल तो नहीं जाओगे ना इतने अमीर बन के। चलो नेक्स्ट 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 है मेरा कैपिटल गियरिंग रेशियो। अच्छा इधर खाली लिख देना लोअर द बेटर, लोअर द बेटर, ठीक है, कभी भी ऐसा एग्जांपल लिख के देख लेने का, मेरा ये 100, मेरा ये 200 है, मेरा ये 100 है, ओ डेट ज्यादा एसेट कम, नहीं नहीं ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, तो अपने को चाहिए कि न्यूमरेटर कम हो तो अपने को रेशियो भी कम चाहिए, जब अपने को चाहिए न्यूमरेटर ज्यादा हो तो अपने को रेशियो ज्यादा चाहिए। यहां पे भी देखो न्यूमरेटर डेट है, डेट कम चाहिए ना, रेशियो कम होना चाहिए, लोअर द बेटर। नो सर फिर हम कहेंगे हमने एफएम की क्लासेस कहां से ली, अच्छा ये बात। अच्छा कोई ऐसा तुमको पूछा व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, बड़े ही तेजस्वी लोग हैं। चलो सो नेक्स्ट ई मेरा फेवरेट, एंड दैट इज कैपिटल गियरिंग रेशियो गाइस, कैपिटल गियरिंग रेशियो, इसको अपन बोल सकते हैं सीजीआर। सीजीआर कैपिटल गियरिंग रेशियो, बोलो क्या आएगा कैपिटल गियरिंग रेशियो में गाइस? तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास कितने फंड्स है जो इंटरेस्ट देते हैं और कितने फंड्स है जो इंटरेस्ट नहीं देते हैं। अब सुनो, अभी अपन लोग ने एक बैलेंस शीट बनाया था कि नहीं बनाया था? हाँ सर, एक छोटा सा नाम का बैलेंस शीट बनाया था, ये रहा। इसमें से क्या इक्विटी शेयर कैपिटल को, इक्विटी शेयर कैपिटल डिविडेंड देता है, तो क्या इक्विटी शेयर कैपिटल को डिविडेंड देना कंपलसरी है, या अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो देगा, प्रॉफिट नहीं कमाया तो नहीं देगा? चलो देखते हैं तुम्हारा बेसिक नॉलेज, क्या तुम लोगों को यह चीज पता है क्या, कंपनी को जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसको इक्विटी डिविडेंड देना कंपनी को कंपलसरी है या नहीं है? कंपलसरी नहीं है।
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस डिविडेंड देना कंपलसरी है, डिबेंचर्स को इंटरेस्ट देना कंपलसरी है, शॉर्ट टर्म बोरिंग वालों को इंटरेस्ट देना कंपलसरी है, समझ रहे हो? सो प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस डिविडेंड, डेट, डिबेंचर्स, बैंक बोरोइंग, लोन, ये लोग सब लोग को इंटरेस्ट देना कंपलसरी है, तो ये एक कैटेगरी हो गया। और दूसरा कैटेगरी इक्विटी शेयर कैपिटल वाला। सो इसको बोलते हैं कि भाई इंटरेस्ट बेयरिंग फंड्स कितने हैं एज कंपेयर टू नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग फंड्स। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हुआ? नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग, बट प्रेफरेंस शेयर और डेट क्या हुए? इंटरेस्ट बेयरिंग। तो हमको देखना है भाई क्या रेशियो है आपका, ऐसा कितने है आपके पास जिसका कंपल्सरीली आउटफ्लो हर महीना जाना ही है, इंटरेस्ट के फॉर्म में है, प्रेफरेंस डिविडेंड के फॉर्म में, एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर जिसका कंपल्सरी नहीं है, प्रॉफिट आया तो देंगे, नहीं आया तो नहीं देंगे। क्या आप लोगों को समझ में आ रही है मेरी बातें? बस इसी को बोलते हैं कैपिटल गियरिंग रेशियो। रिप्रेजेंट्स क्या बात है, क्या बात है? लिखो रिप्रेजेंट्स, रिप्रेजेंट्स रेशियो ऑफ, रिप्रेजेंट्स रेशियो ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट स्लैश डिविडेंड बेयरिंग कैपिटल टू नॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग कैपिटल। बेयरिंग कैपिटल ठीक है। अब इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा फॉर्मूला के टर्म्स में? तो इधर देखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर प्लस और कोई बोरोड फंड्स है तो अदर बोरोड फंड्स, द होल डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, वो जो फिक्टिशियस एसेट बोल रहे थे ना, वो ये बन गया मेरा कैपिटल गियरिंग रेशियो। प्लीज कॉपी एवरीबॉडी। चलो डन। इसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग आएगी, थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है बट आएगी, बिकॉज उसके ऊपर भी अपन लोग अगर इंटरेस्ट पे करने वाले हैं कंपल्सरी इंटरेस्ट तो आएगी, डोंट वरी। ठीक है, लिख लिया, समझ में आ गया। अब कैसा है पता है क्या, ये चीजें तब दिमाग में सेट होती है जब अपन लोग इसको रेगुलर बेसिस पे यूज करें, मतलब जब मैं इसके सम सॉल्व करूं। बट मेरे को पहले तो तुम लोगों को सब फॉर्मूलाज लिखवाना पड़ेगा, फिर ही सम सॉल्व करवा पाऊंगा। तो अभी ऐसा लग सकता है अरे क्या ये सब क्या है, बट जब सम सॉल्व करेंगे ना, दो सम सॉल्व करेंगे ना, ये सब चीजें दिमाग में सेट हो जाएगी। लॉजिकली एक्सप्लेन मैं कर रहा हूं, सम करवाते हुए वापस से सब चीजें री एक्सप्लेन भी कर दूंगा, डोंट वरी, ताकि याद हो जाएगा। ओके,
अब मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूं इसको एक और बार। कैपिटल गियरिंग रेशियो का मतलब होता है ऐसा कैपिटल जिसमें, अभी देखो दो तरह के कैपिटल होते हैं, एक जिसमें एवरी मंथ मेरा आउटफ्लो इंटरेस्ट प्रेफरेंस डिविडेंड के टर्म्स में जाने ही वाला है, और ऐसा कैपिटल जिसका कोई फिक्स्ड आउटफ्लो नहीं है, मेरे को कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो देगी, नहीं कमाया तो नहीं भी देगी। इन दोनों का जो रेशियो है ना उसको बोलते हैं कैपिटल गियरिंग रेशियो। न्यूमरेटर में आएगा जो इंटरेस्ट बेयरिंग फंड्स है, फिक्स्ड इंटरेस्ट और डिविडेंड बेयरिंग कैपिटल, फिक्स्ड इंटरेस्ट और डिविडेंड बेयरिंग फंड्स टू नॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग फंड्स। समझ में आया एवरीबॉडी? बोलो रे, बोलते क्यों नहीं? एंड लास्ट है इसमें मेरा प्रोप्राइटरी रेशियो, लास्ट है इसमें मेरा प्रोप्राइटरी रेशियो। गॉट इट? आई मीन ये वाला गॉट इट? समझा गया? किसी ने लिखा था इधर प्लीज रिपीट कर दो, तो मैंने रिपीट कर दिया। नेक्स्ट प्रोप्राइटरी रेशियो, फॉर्मूला देखो इसका क्या है, बहुत इजी है फॉर्मूला तो, बट याद कैसे रहेगा? इसको बोलेंगे अपन प्रोप्राइटर्स फंड्स या प्रोप्राइटरी फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स, अभी अपन लोग ने टाटा मोटर्स का टोटल एसेट्स देखा ना, क्या होता है टोटल एसेट्स? बोलो बोलो, चल चल, फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट। प्रोप्राइटरी फंड में क्या आएगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रोप्राइटरी फंड में आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अगर कुछ है तो, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी यहां पे आता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी यहां पे आता है। ए समझ गुड एवरीबॉडी? Got it? हाँ, फिक्स्ड एसेट्स, नेट फिक्स्ड एसेट ही रहेगा, सीधी सी बात है, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ही। यहां पे जो तुम लोग का फिक्स्ड एसेट तुम लोग को स्क्रीनर पे भी दिख रहा है ना, वो नेट फिक्स्ड एसेट ही है। यहां पे भी जो प्रॉफिट एंड लॉस में अपन लोग ने देखा ना, सॉरी बैलेंस शीट में, वो नेट फिक्स्ड एसेट ही है, डोंट वरी। ठीक है, ये देखो ग्रॉस ब्लॉक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ही वो वाला फिगर्स वो लोग दिखाते हैं। ठीक है, डन। चलो गाइस, इधर तक क्लियर है सब लोगों को? लिख लिया सब लोग ने? डन। कभी भी याद रखना फिक्स्ड एसेट्स आफ्टर डेप्रिसिएशन ही होगा। मैं जैसा तुम लोगों को यहाँ पे बता रहा था, दिखा नहीं तुम लोगों को इधर, ये देखो फिक्स्ड एसेट कितना दिख रहा है, 55,512। अब इधर देखा प्लस दिख रहा है, इसको मैं जब ओपन करता हूं ना तो टोटल फिक्स्ड एसेट है 107,234, जिसको ग्रॉस ब्लॉक बोलते हैं, जो तुम लोग टैक्स में पढ़ोगे भी, नहीं भी पढ़ाओ तो बता देता हूं, उसको ग्रॉस ब्लॉक बोलते हैं। उसमें डेप्रिसिएशन कितना है, 51723। जब इक्वल टू करोगे तो बचा कितना, ये देखो इधर 555,512। सो इट इज ऑब्वियसली आफ्टर डेप्रिसिएशन ओनली, नेट फिक्स्ड एसेट ही होता है वो बाय डिफॉल्ट, सीधी सी बात है। चलो इधर तक पांचों के पांच नहीं, छह के छह फॉर्मूलास तुम लोगों को क्लियर है। प्रोप्राइटरी रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो, डेट टू टोटल एसेट्स, सर समझ तो गए हैं, बट अब जब सम सॉल्व करेंगे तो एक्चुअली समझ में आएगा कि भाई कितना हम लोगों को याद रहता है कितना नहीं। एब्सोल्युटली करेक्ट, उसमें कोई कोई डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं है। बट यस, नाउ माय पॉइंट इज के अगर इधर तक सब सही है तो मैं
चलो तो अभी मैं आज के लिए होल्ड ऑफ करूंगा, सो दैट वी आर, बोलते ना जितना करवाए उतना एकदम अच्छी तरह से अपना होके रह। चलो ओके, इस पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ के सर अभी समझ गया है अच्छा है जितना है, लेट्स टाइम फॉर अस टू से बाय बाय। बट उसके पहले मैं रिवाइज कराए बिना तो नहीं जाने दूंगा बरकरदार। आज क्या क्या अपन लोग ने किया, तो आज अपन लोग ने कौन से फॉर्मूलाज किए, तो सबसे पहले अपन लोग ने किया कैश रेशियो, या जिसको बोलते हैं अपन लोग कोई एब्सोल्यूट कैश रेशियो भी बोलते हैं उसको कुछ लोग, सो इसको कैश रेशियो या एब्सोल्यूट कैश रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो क्या है फॉर्मूला, तो उसका फॉर्मूला पहले बताओ मेरे को। हाँ ये यार अपना काम कंप्लीट करके जाएंगे अपन, तो कैश बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी अपॉन करंट लायबिलिटीज। कैन आई से ये हो गया मेरा कैश रेशियो, बराबर है। मार्केटेबल सिक्योरिटी के साथ साथ आप लोग करंट इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हो यहाँ पे, सो इधर करंट इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा। ओके नेक्स्ट क्या है मेरा कैश रेशियो और एब्सोल्यूट लिक्विडिटी के बाद अपन लोग ने सीखा बेसिक इंटरवल, कि भाई एक दिन अपने पास टोटल, हाँ एक दिन का खर्चा अगर इतना है तो टोटल कितना कैश है कि अपन लोग अपना खर्चा मैनेज कर पाएंगे, सो इसको अपन लोग बोलेंगे बेसिक इंटरवल मेजर, कितना डेज का खर्चा मैनेज करने के लिए अपने पास है। सो वी विल से भाई कितना मेरे पास कैश बैंक है, कितना नेट रिसीवेबल है, भाई ये और कुछ नहीं डेटर्स है डेटर्स, प्लस अगर कोई मार्केटेबल सिक्योरिटी है तो वो भी यहां पे आ जाएगा। ये सब मिला के मेरे को देखना है कि मेरा ऑपरेटिंग डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है, सर ये डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट होगा, सो अपन बोलेंगे भाई सिंपल, डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू मेरा कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का खर्चा हो रहा है प्लस मेरा कितना जनरल एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा हो रहा है लेस डेप्रिसिएशन या नॉन फिक्स्ड इनकम को, यह तो एक्सपेंस को, यह तो उसको माइनस कर दो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज। तो ये हो गया मेरा डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। डन। फिर बाद में अपन लोग ने क्या पढ़ा बेटा, फिर अपन लोग आ गए सर लेवरेज या कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज के ऊपर। सर उसमें सबसे पहले अपन लोग ने पढ़ा इक्विटी रेशियो, सर इक्विटी रेशियो मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस लेस मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जिसको अपन फिक्टिशियस एसेट्स भी बोलते हैं, द होल डिवाइड बाय सर नेट एसेट्स या टोटल एसेट। ये है मेरा फिक्स्ड एसेट, ये है मेरा करंट एसेट, बट बिकॉज नेट वर्ड यूज किया है, क्या वर्ड यूज किया है नेट, तो अपन लोग इधर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज कर लेंगे। समझ में आ गया आप लोगों को, एक एक चीज मैं समझा के लिखवा रहा हूं वापस से। तो ये अपन करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो ये मेरा वर्किंग कैपिटल आ गया, ये मेरा नेट फिक्स्ड एसेट आ गया। फिर बाद में है मेरा दूसरा है मेरा डेट रेशियो। बेटा डेट रेशियो क्या होगा, डेट अपॉन टोटल एसेट्स। अब डेट में क्या क्या आता है मेरा भाई साहब, डेट में तो सब आ जाता है, मेरा बैंक लोन्स, मेरा पब्लिक बोरोइंग, ठीक है, फिर मेरा जो भी चीज है अभी इसमें मेरी सब शॉर्ट टर्म बोरोइंग, पब्लिक डिपॉजिट्स, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सारी की सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ये है मेरा डेट डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। टेल मी व्हाट इज माय टोटल एसेट्स, यस सो मेरे डेट के टोटल एसेट्स में सेम नेट एसेट्स जो अपन लोग ने इक्विटी के लिए यूज किया है वही आ जाएगा, तो इधर डिवाइड बाय नेट एसेट्स कर लेंगे अपन, याद रह रहा है।
चीजें थोड़ी थोड़ी, वेरी गुड। फिर बाद में सी, सी क्या था, बस इन दोनों का डिवीजन डेट और इक्विटी। सो डेट में क्या आएगा, जो अभी मेरा वर्किंग नोट टू के थ्रू आया था भाई, सारा का सारा डेट वर्किंग नोट टू के थ्रू आया था। और इक्विटी में क्या आएगा, वही इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस लेस मिसलेनियस एक्सपेंसेस। चलो अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट क्या था मेरा, ये हो गया, ये हो गया डेट टू टोटल एसेट्स। सो डेट है अपना टोटल एसेट में, यहाँ पे याद रखना करंट एसेट ही आएगा। एक होता है नेट फिक्स्ड नेट एसेट, नेट एसेट में जो करंट एसेट वाला पार्ट है उसमें करंट लायबिलिटी माइनस हो जाता है, बट ये क्या है टोटल एसेट, डेट नाम ही है तो डेट टू टोटल एसेट रेशियो। तो टोटल एसेट में खाली करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट ही मेरा ऐड होगा। सो इधर अपन लोग लिख लेते हैं डेट टू टोटल एसेट, डेट यही अपना वर्किंग नोट टू वाला अपॉन टोटल एसेट। टोटल एसेट में क्या जाएगा, फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट। अच्छा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरा कैपिटल गियरिंग रेशियो। हाँ, फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग फंड्स जैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिबेंचर्स लोन्स अपॉन नॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग कैपिटल जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। एंड देन फिर बाद में लास्ट पॉइंट एफ पॉइंट, वो था मेरा प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो में क्या आएगा, प्रोप्राइटरी फंड्स अपॉन किधर गया, हाँ प्रोप्राइटरी फंड्स अपॉन टोटल एसेट। टोटल एसेट तो अपने को पता ही है, प्रोप्राइटरी फंड में याद रखना इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस, इक्विटी शेयर होल्डर फंड प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज प्रोप्राइटर्स फंड, पीपी पीपी ऐड हो गया यहाँ पे, ये अपॉन टोटल एसेट। सर कौन सा नेट एसेट है कौन सा टोटल एसेट है कैसे याद रहेगा, करवाऊंगा कल, वो भी आप लोगों को ये चीज याद हो जाएगी। अभी फिलहाल खाली एक ग्रेस्प कर लो, कल तक वो भी चीज आप लोग के दिमाग में सेट कर दूंगा, वादा रहा। तो प्रोप्राइटर फंड में क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंस, ये तो आता ही है, बट प्लस में क्या कर दूंगा यहां पे बोलो ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल द होल डिवाइड बाय टोटल एसेट, टोटल एसेट फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट। ए समझी गुड एवरीबॉडी, डन डन डन, आज का सेशन, टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता। तो अपन लोग ने आज कुछ एग्जांपल्स किए, लिक्विडिटी रेशियो पूरा कंप्लीट कर लिया, लेवरेज रेशियो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो स्टार्ट किया है, और कल अब इसको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे और कुछ एग्जांपल्स करेंगे। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, ये दोनों चीज के लिए मुझे एक बार बता दो एंड देन मैं रैप अप करता हूं, प्लीज एक बार मुझे बता दो चीजें। सर शैल वी मेक अ सेपरेट कॉपी फॉर फॉर्मूलाज और राइट इन बुक्स, और इन बुक्स इट विल बी सेपरेट, इन बुक्स इट इज सेपरेट, फिलहाल के लिए तो जैसा मैं करवाते जा रहा हूँ वैसे ही करवाते जाओ, एंड देन फिर कुछ और भी रहेगा तो मैं बता दूंगा, डोंट वरी। जैसे कॉस्टिंग के लिए तो अलग से स्टार्टिंग से ही करेंगे, यहां पे मैं बताऊंगा तब करेंगे, ठीक है, चलो डन। टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता गाइस, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच, एनी डाउट्स एनीथिंग दैट यू वॉन्ट टू डिस्कस फील फ्री टू व्हाट्सएप, बाय बाय।